वायुसेना में बेटियों का मान बढ़ा रही स्नेहा शेखावत, शेखावाटी से निकलकर कैसे हवाई जहाजों को उड़ाती है सेना के, मिलिए स्क्वाड्रन लीडर स्नेहा शेखावत से। राजस्थान के शेखावाटी इलाके की अलग पहचान है। सेना में भर्ती होने वाले जवान हो या अफसर, देश सेवा में योगदान देने वाले नौजवान सबसे ज्यादा इसी मिट्टी से निकलते हैं। लड़ाई 72 की हो, कारगिल की या फिर संसद पर हमला, यहाँ के शूरवीरों ने शहादत देकर मिट्टी का कर्ज हमेशा चुकाया है। लेकिन शूरवीरों की ये भूमि अब अपनी बेटियों को भी पंख दे रही है और उन्हें पंखों पर सवार होकर निकली है स्नेहा शेखावत। शेखावाटी की मिट्टी से निकलकर राजपथ पर वायुसेना का दो बार नेतृत्व करने वाली पहली ऑफिसर, जिसे आजादी के 68 साल के इतिहास में ये मौका मिला। कमान संभाली है स्क्वाड्रन लीडर स्नेहा शेखावत ने। 2012 में स्नेहा ने वायुसेना के संयुक्त दस्ते का नेतृत्व किया, तो 2015 में जब मोदी सरकार ने महिला दस्ते को राजपथ पर उतारने का फैसला किया, तब भी ओबामा को सलामी शेखावाटी की इसी बेटी ने दी। गर्व और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ी इस बेटी के नेतृत्व को बेस्ट कैंटिजेंट की ट्रॉफी मिली, तो वायुसेना प्रमुख ने कमेंडेशन भी दिया। अपनी उपलब्धि से वायुसेना की शान बढ़ाने वाली इस बेटी ने माता पिता को भी गौरवान्वित किया है। बचपन से ही उड़ान भरने का सपना देखने वाली स्नेहा ने इसे पूरा करने के लिए निरंतर मेहनत की, जोधपुर यूनिवर्सिटी टॉप की, तो शारीरिक परेशानियों से जूझ रहे बड़े भाई का हमेशा सहारा बनी। बचपन से लेकर सीए बनने तक भाई की हर परीक्षा में वे राइटर बनी, तो गुजरात सरकार में कार्यरत पिता ने भी इस बेटी की प्रतिभा को हमेशा आगे बढ़ाया। साल 2007 में पायलट बनने के बाद 2010 में अपने बैचमेट स्क्वाड्रन लीडर सौरभ सिंह से शादी का फैसला भी खुद स्नेहा ने लिया, तो पिता भी गौरवान्वित होते हैं जब लोग उन्हें गुजरात के राजभवन में काम करने वाले अफसर के रूप में नहीं बल्कि स्नेहा के पिता के रूप में पहचानते हैं। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। आइए अब आपको मिलवाते हैं एयरफोर्स में देश की शान बढ़ाने वाली इस बेटी से। स्नेहा शेखावत आज हमारे स्टूडियो में है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने देश की वायुसेना की उस दस्ते को लीड किया, और एक बार नहीं दो बार किया। देश आपकी इस प्रतिभा का सम्मान करता है। थैंक यू सो मच। आप शेखावाटी की उस मिट्टी से आती हैं जहां पर हर घर से सैनिक निकलते हैं, लेकिन सैनिक वो पुरुष निकलते थे, बेटे नहीं निकलते थे। आपने कैसे सोचा? बस अब शुरुआत हो चुकी है तो शायद हर घरों से निकलेंगे, पर कह सकते हैं जैसे मैंने पहले भी कहा था कि घर से हमेशा से सपोर्ट रहा है, और द बेस्ट पार्ट इज कि कभी घर पे ये फील नहीं हुआ कि पुरुष जाएंगे और महिला नहीं जा सकती इस चीज़ में, क्योंकि ये फीलिंग आई ही नहीं कि ये चीज़ लड़का कर सकता है और ये लड़की कर सकती है। तो शायद उस एंगल से मैंने कभी सोचा ही नहीं। जस्ट आई वॉन्टेड टू बी इन दिस प्रोफेशन, एंड पापा ने भी हमेशा सपोर्ट किया। बस यही था, जैसे बचपन में एक दिन हुआ कि नहीं मुझे पुलिस बनना है, तो पापा ने कहा ठीक है बेटा फिर आईपीएस के लिए तुम्हें ये तैयारी करनी है। अगले दिन नहीं मुझे आर्मी में जाना है, तो अच्छा ठीक है फिर तुम्हें ये करनी है तैयारी। बट व्हेन फाइनली आई डिसाइडेड दैट आई वांटेड टू बी अ पायलट एंड व्हाट बेस्ट कैन आई हैव अगर मैं एयरफोर्स में मीन्स इन यूनिफॉर्म इफ आई कैन फ्लाई, सो फाइनली आई डिसाइडेड टू गो फॉर इट। पायलट बनने का आपने बचपन से सोचा था, 11th के बाद आप बता रही हैं, तो फिर आपने उसके लिए उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन की, तैयारियां की आपने। आपके फादर ने, आपकी मदर ने आपको घर में एनवायरनमेंट दिया, आपकी स्कूलिंग अच्छी हुई जी, लेकिन फिर आपको पायलट बनना है, ये रास्ता आपने कैसे चुना? जब मैंने डिसाइड किया सेम स्कूल टाइम में, व्हेन वी जनरली डिसाइड कि क्या हमारा फ्यूचर होना चाहिए, क्या किस प्रोफेशन में जाना है मुझे, फिर जब मैंने कॉलेज ज्वाइन की सेम जैसे अभी भी जब मैं उस वक्त थी एज अ सिविलियन, मुझे नहीं पता था क्या प्रोसीजर है, क्या सिलेक्शन है, हाउ टू गो अबाउट इट। तो मैं यही करती थी कॉलेज, आई यूज़ टू मेंटेन अ रूटीन। मुझे बस इतना पता था कि मुझे फौजी बनना है, उसके लिए मुझे फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। फिर मैं रोज़ सुबह 4 बजे उठ के आई यूज़ टू गो फॉर 5 किलोमीटर रन, योगा, क्योंकि मुझे कुछ भी चीज़ चांस पे नहीं छोड़नी थी कि आई ट्राई, एक बार हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आई सी समथिंग एल्स। मुझे लगता था कि अगर मैं एयरफोर्स में नहीं गई तो फिर मैं क्या करूँगी। उस रूटीन को फॉलो करने के पीछे आपकी कितनी मेहनत है, कितने घंटे पढ़ाई करती थी पायलट बनने के लिए? आपने यूनिवर्सिटी टॉप की जी है। इसके पीछे भी रीज़न ये, 12th में आई स्कोर वेरी लेस परसेंटेज, तो जब मैंने वहाँ पे जोधपुर में कॉलेज ज्वाइन किया तो जनरली फैमिली से एंड कज़न से थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन आया कि
यू नीड टू स्टडी हार्ड. ऐसा नहीं है कि तुम्हें अगर फोर्स ज्वाइन करनी तो तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी और सिर्फ फिजिकली फिट रहना. दैट वॉज अ टाइम इट हिट मी कि नहीं, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ. सो दैट वॉज अ टाइम जब फर्स्ट ईयर का जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ एंड देन माई प्रिंसिपल कॉल्ड मी अप. उन्होंने मुझे बताया कि स्नेहा कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर टॉप द यूनिवर्सिटी. सो बस यही था कि जैसे अर्ली मॉर्निंग आई यूज टू गो फॉर रन एंड ऑल, फिर जाके आई यूज टू स्पेंड ऑलमोस्ट 3 to 4 hours इन लाइब्रेरी. जब आपने पहली बार फ्लाई किया थी जी, वो पहला एक्सपीरियंस कैसा था? आप क्या फील कर रही थी? कितना डर था? कितना आशंकाएं थी? कितनी परेशानी लग रही थी कि पता नहीं? वो कह सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन पल था मेरे लिए, क्योंकि मैं अकेली थी उस जहाज में. अब मेरा काम है उसको लेके जाना और वापस लैंड करवाना. दैट वॉज द बेस्ट फीलिंग. कहते हैं ना कि पहली बार मैं हवा में थी एंड नीचे से बस ऊपर से हमने वो बादलों को जाते हुए देखा है, नाउ फाइनली मैं उन बादलों के ऊपर थी. तो बहुत ही अच्छा पल था वो मेरे लिए. राष्ट्रपति ओबामा के सामने जी आपको कमांड करने का मौका मिला एयरफोर्स के दस्ते को, वो उपलब्धि आपके, क्योंकि आपने किसी भी चीज़ को ये नहीं लिया कि ठीक है हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तब भी ठीक है, यही वजह है कि 200 से ज़्यादा वुमेन ऑफिसर्स के बीच में आपका सिलेक्शन हुआ? आई एम एक्चुअली प्रिविलेज टू बी, कहते हैं ना कि वो बहुत ही प्राउड मोमेंट था मेरे लिए. राजपथ में मार्च करना मेरे लिए, कोई भी फौजी के लिए कहेंगे, एज अ ऑफिसर, एज अ एयरमैन, वैन यू मार्च ऑन राजपथ, जब आपके सामने इंडिया गेट दिख रहा है, वैन यू नो कि आपको अभी आपके जो सुप्रीम कमांडर है प्रेसिडेंट को आपको दाहिने देख देना है, तो बहुत ही कहते हैं ना, इट्स वर्ड्स नहीं है उस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए. कोई फ़र्क है कि ओबामा वहाँ पे थे, पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति वहाँ पे थे, तो आपने आप उसको भी अपने करियर में उसका कोई फ़र्क महसूस करती हैं? कॉन्फिडेंस में उससे कोई फ़र्क आता है? सी, इट इज़ अ वेरी ग्रेट मोमेंट फॉर आर कंट्री कि जब मिस्टर ओबामा यहाँ पे एज अ गेस्ट के लिए आए थे. पर पर्टिकुलरली फॉर अस, अगर मैं कहूँगी कि अगर मुझे मार्चिंग करनी है, जैसे अगर मैंने 2012 में भी किया, मैंने 2015 में भी की, पर जो कहते हैं ना गूज़बम्स जो उस मोमेंट पे फील होते हैं, इट इज़ स्टिल फ्रेश. मीन्स एवरी टाइम आई एम लर्निंग न्यू थिंग एंड आई एम डूइंग एंड ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट. तो सेम था कि अगर वो होंगे या कोई और होंगे, अगर राजपथ के लिए जो रिस्पेक्ट है मेरे दिल में, वो कभी मिस, दैट्स अ फॉरमोस्ट थिंग फॉर मी. तो उसी को दिमाग में रख के फिर हम अकॉर्डिंगली मार्च करते हैं. आप देश की अकेली ऐसी बेटी हैं जो एयरफोर्स के दस्ते को 2 बार राजपथ पर परेड करना, परेड में शामिल होना, दस्ते में शामिल होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सपना होता है. उसमें भी आप 2 बार अगर कमांड करती हैं तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. आपके परिवार, समाज के लोग इस उपलब्धि पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं? जिनसे शायद कभी मिली भी नहीं थी, वो आते अपनी बेटियों को लेकर मुझसे मिलवाते हैं कि आप इनसे बात करिए, ये भी एयरफोर्स में पायलट बनना चाहती हूँ. आई फील गुड कि अगर किसी एक को भी मैं मोटिवेट कर पाऊँ, देन इट विल बी रियली अ गुड मोमेंट. आपके ससुराल वालों का कैसा रिएक्शन रहता है? वो क्या सोचते हैं? वो एक एक बहू में और एक आर्मी की कैप्टन में, स्क्वाड्रन लीडर में, कैप्टन जहाज की है जी, उसमें कोई फर्क महसूस करते हैं? पहली बात तो आई एम सो लकी कि उन्होंने मुझे कभी बहू की तरह ट्रीट ही नहीं किया है. आई एम ऑलवेज बीन देयर बेटी. मेरे घर पे जितने मेरे पिताजी ने फोटोज लगा रखे हैं, उतने ही फोटोज मेरे फादर इन लॉ ने घर पे लगा रखे हैं. तो आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम वेरी लकी. तो आपको ना अपने मम्मी पापा के घर में, ना ही अपने ससुराल में किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़ा? आपको नहीं लगता कि इस देश में बेटियों के साथ किसी तरह की कोई असमानताएं होती हैं? नहीं, यानी मैंने नहीं देखी, सुना है मैंने लोगों से, पर मैंने नहीं देखा कभी. आपने खुद महसूस नहीं किया, लेकिन आपने अपने आसपास देखा भी है? नहीं, मैंने सुना है लोगों, क्योंकि मेरे आसपास अगर सोसाइटी में कहीं कभी गांव जाओ तो हाँ लगता है कि हाँ बेटी से बस वही कि ग्रेजुएशन करवा लो, बीए करवा लो, शादी कर लेंगे, लड़का है तो हाँ जाओ जॉब ढूंढो. तो सेम चीज़ आप लड़कियों को भी कहो कि जाओ आप भी जॉब ढूंढो. मीन्स यू स्टडी, आप बीए क्यों, बीए, बीएससी, बीकॉम, वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्टडी, आपको जो बनना चाहते हो आप वो पढ़ाई करो और आप वो, आप उनको उत्साहित करो उस चीज़ के लिए. जैसे कहते हैं कि घर का जो माहौल है उससे शायद बहुत ही फर्क पड़ता है. तो देश में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, ऐसे बहुत सारे मम्मी पापा हैं, ऐसे बहुत सारे गांव हैं जो अपनी बेटियों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं और उन रास्तों का सही दिशा में इस्तेमाल वो बेटियां करती हैं तो स्नेहा शेखावत बनती है. गुजरात के राजभवन में काम करने वाले अंडर सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर ने अपनी बेटी को वही सब कुछ दिया जो बेटे को भी दिया और इसलिए बेटी आज आसमान में उड़ रही है, भारतीय वायुसेना का सम्मान बढ़ा रही है. स्नेहा, जब हम ये देखते हैं हमारे आसपास, हम दिन भर सुनते हैं, कभी निर्भया की खबर आती है, कभी अरुणा शानबाग की खबर आती है, ऐसी खबरें आपको परेशान करती हैं? हाँ,
मुझे लगता है स्पेशली निर्भया का जैसे आपने केस लिया, जो शुरुआत है मीन सोसाइटी में हमें ही इम्प्रूव करना है घर से। जैसे एक तो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपको जब एजुकेशन लेवल शायद लोगों का बढ़ेगा दे विल अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो घर में ही शिक्षा शुरू होती है, घर में जब लड़कों को सिखाया जाता है कि आपको रिस्पेक्ट करना है किसी भी लड़की को, चाहे आपकी मिस मदर को यू रिस्पेक्ट, आप अपनी सिस्टर को रिस्पेक्ट करते हो, तो सेम जिसको आप नहीं जानते हो शी इज़ ऑल्सो समवंस मदर, किसी की सिस्टर है किसी की वाइफ है, तो यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन एज ए इंडिविजुअल। स्नेहा कितना डिसिप्लिन है आपकी वायुसेना की लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में बताइए थोड़ा सा। जो लोग आना चाहते हैं वो सिर्फ एक तो ठीक है उन्हें ऑफिसर बनना है, किसी को फ्लाई करना है, किसी को बॉर्डर पे जाना है, लेकिन इसके अलावा क्या है अंदर में जिसको लेकर उन्हें सोचना चाहिए कि वो भी एक भविष्य है? मैं भी यही सोचती हूँ। कई बार मुझे कहते हैं कि आप पायलट बने तो एयरफोर्स में ही क्यों, बाहर भी इतने सारे ऑप्शन हैं, यू कैन टेक अ CPL कमर्शियल पायलट लाइसेंस और आप बाहर भी उड़ा सकते हैं। पर मैं यही सोचती हूँ कि जो एक सेटिस्फेक्शन लेवल है काम करने के बाद जो मुझे फील होता है यहाँ पे, जैसे कि काफ़ी सारे रोल्स अभी आपने देखा होगा कि ऑपरेशन मेघराहत में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सेंस कि जब वहाँ पे आप लेके जाओ मटेरियल लेके जाते हैं, मेडिसिन लेके जाते हो, वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट करके वापस लेके आते हैं। हमारे भी काफ़ी सारे केसेस होते हैं जब हम कैजुअल्टी इवैक्यूएशंस करते हैं, तो इट गिव्स एन इमेंस सेटिस्फैक्शन कि एट द एंड ऑफ द डे यू डिड समथिंग। स्नेहा एक आर्मी में होने का हमेशा एक डर होता है कि आपको कभी भी बॉर्डर पे जाना पड़ सकता है, कभी भी जंग हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, वो चिंता होती है? रिस्क हर चीज़ में है लाइफ में। आजकल आप घर से बाहर निकले रोड एक्सीडेंट हो गया, यानी यू नेवर नो, तो उस चीज़ के डर से तो हम अपने आप को रोक नहीं सकते। तो मुझे तो वही लगता है कि इट्स अ चैलेंज एंड लेस ऑफ अ रिस्क बट इट्स अ चैलेंज कि इंस्टेड ऑफ क्या कहते हैं रोड एक्सीडेंट में मरने से द बेटर आई विल प्रेफर डाइंग ऑन अ बॉर्डर। लगातार हम आपको मिलवा रहे हैं ऐसी बेटियों से जिन्होंने अपने जीवन के फैसले खुद लिए, और जब फैसले लिए तो पूरा परिवार और समाज भी साथ खड़ा रहा, प्रशंसा भी हुई, तारीफें भी मिली। कितनी तारीफें आपके ससुराल में भी आपको मिलती हैं, आपके पति भी आपके काम की नेचर को समझते हैं क्योंकि वो आपके ही एरिया से आपके ही फील्ड से आते हैं, और आपने लव मैरिज भी की है जी, तो उस वक्त भी पिता साथ थे। बिल्कुल। ये फैसला आपने जब लिया तो इंटरकास्ट मैरिज तो आपकी है नहीं, नहीं। डिस्क्रिमिनेशन किसी भी स्तर पे फेस नहीं करने का एक कारण वहाँ भी आपको समझ में आया कि वहाँ पर भी आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई? हाँ, और ये भी था, हम कोर्समेट्स मींस मी एंड माय हस्बैंड, हम दोनों कोर्समेट्स थे, हम साथ में ही थे, बट वी बोथ आर फ्रॉम राजस्थान एंड सेम कास्ट से थे, तो शायद इसलिए भी घर वालों को कभी किसी इस चीज़ पर परेशानी नहीं हुई। बहुत सारी युवा पीढ़ी है जो आपसे कुछ सवाल करना चाहती हैं। हाय, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने किससे प्रोत्साहित होकर इस फील्ड को चुना है? एयरफोर्स में मैं किसी को नहीं जानती थी, ना मेरे कोई परिवार से था जैसे मैंने आपसे कहा है, बस मुझे हमेशा से एक था कि फौज में आना है मुझे, और बचपन से पायलट बनने का शौक था, और एक तो मैंने हमेशा से सोचा था कि या तो मैं फौज में जाऊंगी या फिर फौजी से शादी कर लूंगी, बट भगवान की दया से दोनों ही मिल गया मुझे। स्नेहा मैडम, अब आप क्या लड़ाकू विमान उड़ाना चाहती हैं? सी आई एम ए ट्रांसपोर्ट पायलट, और अभी हमारी पॉलिसी में नहीं है कि वुमेन ऑफिसर्स फाइटर स्ट्रीम में जाएं, बट हाँ अगर किसी दिन कभी मौका मिला तो ज़रूर।